अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप ट्रेंडी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स कैरियर से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास स्मार्ट सीरीज की। इससे पहले भी मैं उर्दू ए और उर्दू बी से रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी। हम बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस की, जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी के बारे में बात करेंगे, कितने परसेंट इसमें सिलेबस ऐड हुआ है और कितने परसेंट सिलेबस को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया गया है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आपने सिर्फ वही प्रिपेयर करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं आपके पेपर्स में इंक्लूड होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो हम बात करते हैं इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी की। तो सबसे पहले इंग्लिश ए के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं, वो तमाम चीजें मैं आपको गाइड करूंगी। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं और जो आपने चीजें करनी है वो है ग्लोसरी, वोकैबुलरी ए बी सी एंड डी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए बी एंड सी, ग्रामर ए बी सी डी ई एंड राइटिंग स्किल बी। जस्ट यही चीज़ें आपने इसमें से करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 मीन्स कि यूनिट नंबर 2 जो आपने इसमें करना है वो है ट्राई अगेन, जो कि पोएम है। इसके अंदर आपने करनी है वोकैबुलरी ए एंड बी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए, क्वेश्चंस 1 to 6, बी सी एंड डी, ग्रामर आपने करनी है ए बी सी डी ई एंड एफ एंड राइटिंग स्किल्स ए बी सी एंड डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट एड। इसके अंदर आपने जो इंक्लूड है चीज़ें वो है ग्लोसरी, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स। सेम आपने दोनों चीज़ें करनी है, इसका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड है। ये तमाम स्टूडेंट्स करेंगे, ये बनाया गया है स्कूल्स पर्पस के लिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें तमाम स्टूडेंट्स करेंगे। रिव्यू 1 इज़ एक्सक्लूडेड, यानी इसके अंदर से आपने रिव्यू 1 नहीं करनी, वो निकाल दी गई है, वो इसके अंदर ऐड नहीं है। यूनिट नंबर 6, टेलीविजन वर्सेज न्यूज़पेपर। इसके अंदर भी आपने ग्लोसरी, वोकैबुलरी ए एंड बी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए एंड सी, ग्रामर ए बी सी डी एंड राइटिंग स्किल जस्ट बी, सिर्फ यही करना है। यूनिट नंबर 8, पीस, वो भी पोएम है। उसके अंदर से जो चीज़ें इंक्लूड है वो है वोकैबुलरी ए बी सी डी एंड ई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए एंड बी, ग्रामर ए बी सी एंड राइटिंग स्किल ए सी एंड डी। इसके अंदर से रिव्यू 2 इज़ एक्सक्लूडेड, मीन रिव्यू 2 आपने नहीं करनी, एक्सक्लूड कर दी है, वो निकाल दी गई है इसमें से। उसके बाद यूनिट नंबर 10, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। इसके अंदर ग्लोसरी, वोकैबुलरी ए एंड बी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए एंड बी, ग्रामर ए बी सी डी एंड ई, ये आपने करना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 13, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस के अंदर जो चीज़ें ऐड हैं वो ग्लोसरी, वोकैबुलरी ए बी सी एंड डी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका क्वेश्चन 1 to 6 करने हैं, ग्रामर ए बी सी डी ई एंड एफ। रिव्यू 3 इज़ एक्सक्लूडेड, इसके अंदर से आपने रिव्यू 3 नहीं करनी, सिर्फ यही चैप्टर इंग्लिश ए के अंदर इंक्लूड किए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो आपने स्किप कर देनी है, वो आपने याद नहीं करनी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश बी यानी ग्रामर एंड कंपोजिशन की। तो सबसे पहले राइटिंग एंड एसे, कौन कौन से एसे आएंगे इसके अंदर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मूनसून, रेनी डे, अ हॉकी मैच, अ ट्रू मुस्लिम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सिर्फ यही ऐसे आपने प्रिपेयर करने हैं। ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश, ये क्लास वर्क और होमवर्क में जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, सिर्फ आपने यही मार्क करने हैं और यही याद करने हैं, जो जो नंबरिंग के साथ लिखे गए हैं आपने सिर्फ वही याद करने हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पेज 172 to 177, प्रैक्टिस विल बी बिगेन, यानी पेज नंबर 172 से 177 तक जितने भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हैं आपने सिर्फ वही याद करने हैं। लास्ट हमारा है पेयर ऑफ वर्ड्स,
पेयर ऑफ वर्ड्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं नीचे, सारे आपको शो हो रहे हैं। क्लास वर्क एंड होमवर्क आपने ये दोनों करने हैं, 1, 2, 3, 6, 8, 9 up to 78। इसके अंदर जितने जितने मार्क किए हुए हैं आपने सिर्फ वही टिक करने हैं और वही प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा और कोई सिलेबस इंग्लिश बी एंड इंग्लिश ए का नहीं आएगा। जितना आपको बताया गया है, जितना आपको गाइड किया गया है, सिर्फ इतना ही सिलेबस स्मार्ट सिलेबस आएगा जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है। उम्मीद है इंग्लिश ए और इंग्लिश बी की आपको वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या ऐड किया गया है और क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वीडियोज़। Your like, comment and subscription gives me lots of encourage to create more informative videos for you. So it's my humble request to share this video to your friends so they also get this information at right. Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Agar aap mere channel par new hain to kindly subscribe my channel and press the bell icon taki meri new updates aap tak jald se jald pahunche. Thank you and Allah Hafiz.